जामगांव राजमार्ग संख्या 7 पर जाम मुख्य चौराहे पर है और इस स्थान पर बहुत अधिक परिवहन है। इस जगह की आबादी 5000 से अधिक है, लेकिन जल संसाधनों की कमी के कारण जाम के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जाम वासी और सरपंच सचिन गावंडे ने आंदोलन की चेतावनी दी है क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जाम चौरस्ता गांव की आबादी और परिवहन और ट्रैफिक के अनुपात में गांव के लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस साल प्राकृतिक वर्षा नहीं होने के कारण गांव में पानी की भारी कमी हो रही है। गांव में पानी के संसाधन पूरी तरह से सूखे हैं। यहां का जल स्रोत अब तक पूरी तरह से सूखा है। सरकार को गांव में पानी की भारी कमी की जानकारी है। पानी की कमी के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। टैंकर के पास अधिक भीड़ के कारण फैलने वाली संक्रामक बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रशासन को जाम में तीव्र पानी की कमी पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जाम ग्राम पंचायत के सरपंच सचिन गावंडे, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्रामीणों द्वारा समस्या का अनुरोध किया गया। पानी की आपूर्ति नहीं होने पर लॉकडाउन में भी आंदोलन होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नमस्कार, मी सरपंच सचिन गावंडे। जाम या गावात गेले कित्येक वर्षापासून पाणी टंचाईला आम्ही समोर जात आहोत। शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार करूनही शासनाचं आमच्या गावाकडे दुर्लक्ष होत आहे। म्हणून आमची शासनाला विनंती आहे की त्यांनी जाम या गावातील पाणी टंचाई पूर्णतः सोडवावी, अन्यथा आम्ही गावकऱ्याच्या वतीनं मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन करू। धन्यवाद। BCN न्यूज के लिए समुद्रपुर से प्रमोद वैद्य की रिपोर्ट।